जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार 17 दिसंबर को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में जाकिर खां पुत्र याकूब खां वासी इमठपाली थाना औद्योगिक क्षेत्र जबरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल ने बताया कि 24 अप्रैल 2022 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार की टीम अपराध तलाश के संबंध में पिपली चौक पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापगढ़ मोड़ जीटी रोड के पास नाकाबंदी करके कैंटर नंबर PB 65BB 2751 को काबू किया था। कैंटर में सवार प्रेम सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह वासी गांव बजरूड़ जिला रोपड़ पंजाब वे चरणजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी माजरा तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश सवार थे। पुलिस द्वारा उनकी भी उनके कैंटर के राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी लेने पर 13 कट्टों में भरा 5 क्विंटल 15 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद हुआ था। आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 18 दिसंबर 2022 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक की टीम ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में जाकिर खां पुत्र याकूब खां को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया। विस्तार से जानकारी देते हुए निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि आरोपी जाकिर खां के खिलाफ वर्ष 2011 में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जिला रतलाम मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी को पुलिस ने ढाबे की आड़ में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में काबू किया था। उस मुकदमा में आरोपी को वर्ष 2017 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसमें आरोपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत पर है। हमारी CIU2 की टीम ने नशा तस्करों पर लगाम कसते हुए अप्रैल 2022 में भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया था और उस समय हमने लगभग 5 क्विंटल 15 केजी चूरा पोस्त बरामद किया था, जिसमें हमने एक हिमाचल का लड़का और एक पंजाब का कैंटर के समेत गिरफ्तार किया था। उसी कड़ी में जहां से ये माल लेके आए थे, सप्लाई जो इनको देता था मध्य प्रदेश का एक था रहने वाला, जिसका नाम जाकिर था। हमारी टीम ने मध्य प्रदेश से उसको जाकिर को गिरफ्तार किया है और उससे भी हम अब गहनता से पूछताछ करेंगे। हमने कोर्ट में उसको पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जाकिर का पहले भी नशा तस्करी के मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड है और हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस पर इनाम भी घोषित किया गया है, जिसको हमारी टीम ने CIU2 की टीम ने अभी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है।